हेलो स्टूडेंट्स, कल बेटा हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एडिशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और जैसे ही एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि व्हेन द वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन हमने बताया था कि ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल रखी थी, दिस इज़ द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। देन हमने कहा था कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। ये बेटा जब आया था, जब दोनों वेक्टर थे वो हमारे पास सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे। नाउ दूसरा हमने केस बताया था कि व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। यही रूल लगाना है, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस विल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। एंड हमारे पास रिजल्ट आया था आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये तो जब आया था व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बट व्हेन वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम डिफरेंट एंगल्स, दैट इज फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट ए वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, बी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, और ए वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, बी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, और वी कैन से दैट in this type, then we uses the rule, and one rule is the triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। इसका जो बेटा रिजल्ट आया था वो एक बार मैं लिखता हूँ, r vector equals to a square plus b square plus 2ab cos of theta under the root. थीटा इज द एंगल बिटवीन वैक्टर ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स ए एंड बी, एंड इट्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई टेंजेंट ऑफ एल्फा, एंड दिस वॉज बी साइन ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा के बराबर आया था। This was the direction, that is this is the angle, angle alpha is along the direction of A, resultant vector makes an angle alpha with vector A, and इस टाइप से हमने किया था कि ये हमारे पास A vector था, ये हमारे पास B vector था, and this was the resultant vector, यहाँ से perpendicular draw किया था, इसको हमने नाम दिया था O, this was P, this was Q, एंड दिस वॉज एंड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड रूल आता है दैट इज नोन एज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट एट द सेम टाइम गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द two sides of a parallelogram, then the resultant passing through that, then the diagonal passing through that point will represents the resultant vector, this is a vector, this is b vector, these are given in magnitude and direction, let they makes an angle theta, then this diagonal will represents the resultant vector. बेटा इसको हमने मान लिया O, this is P, this is Q and this is S. अगर यहाँ पे मैं कंसिडर करूँ A vector is represented by OP, B vector is represented by OS and resultant vector is represented by OQ. ये B है, then ये भी हमारे पास क्या होगा बेटा, B होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया एंड दिस इज पॉइंट एन, ये साइड
और ये साइड दोनों पैरेलल है, जब ये एंगल थीटा है देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अगेन अगर इसको मैं एक बार छोड़ देऊं तो बोलो बेटा हमारे पास क्या, कल हमने ट्राइंगल यही बनाया था। लेकिन मैं एक बार कंप्लीट करता हूँ इसको, बोर्ड पे देखो ध्यान से। यहाँ से हमने कहा कि इन ट्राइंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू इज द राइट एंगल ट्राइंगल, देयर फोर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू का स्क्वेयर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वेयर प्लस एन क्यू स्क्वेयर। और बेटा ओ एन इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एन, बेटा ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब इन ट्राइंगल पी एन क्यू, पी एन क्यू, पी एन अपने को कैलकुलेट करना है अपॉन पी क्यू, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। एंड वी कैन से दैट पी एन इक्वल्स टू पी क्यू कोस ऑफ थीटा, पी क्यू इक्वल्स टू बी, देयर फोर वी गेट पी एन इक्वल्स टू बी कोस ऑफ थीटा। पी एन की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करो, देखो हमारे पास जो ओ एन की वैल्यू आएगी वो क्या है बेटा, ओ एन इक्वल्स टू ओ पी ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इसी ट्राइंगल में आओ बेटा, मेरे को एन क्यू चाहिए, एन क्यू चाहिए, तो यहाँ से हमने किया एन क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, एंड वी गेट एन क्यू इज इक्वल टू पी क्यू साइन ऑफ थीटा, एंड वी गेट एन क्यू इक्वल्स टू बी साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। फ्रॉम वन टू एंड थ्री ओ क्यू इक्वल्स टू आर, आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वेयर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वेयर। बेटा मैं यहीं पे होल स्क्वेयर खोलता हूँ, आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वेयर, वी कैन राइट बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, बोलो लिख सकते हैं प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसका भी होल स्क्वेयर किया है। नाउ देखो बेटा यहाँ से बेटा बी स्क्वेयर कॉमन ले ले, वी गेट आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा। और बोलो बच्चों साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन, वी गेट आर स्क्वेयर इक्वल्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा, एंड वी कैन से दैट आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा ट्राइंगल ला का भी यही रिजल्ट आया था, पैरेललोग्राम का भी हमारे पास जो रिजल्ट है इट इज सेम, एंड इट इज इक्वल टू आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा। नाउ देखो बेटा आगे हमने क्या कैलकुलेट किया, डायरेक्शन, और मैं मान ले कि लेट द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द वेक्टर ए। हमने बताया कि जब हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तब हम क्या कर रहे थे कि डायरेक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई टेंजेंट ऑफ एल्फा। नाउ इसी ट्राइंगल में ओ एन क्यू टेंजेंट एल्फा इक्वल्स टू एन क्यू अपॉन ओ एन, एंड टेंजेंट एल्फा इक्वल्स टू एन क्यू। बेटा एन क्यू की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, बी साइन थीटा, एंड बेटा ओ एन की वैल्यू यहाँ से देखो ए प्लस बी कोस थीटा, दिस इज बी साइन ओ थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद द गिवन वेक्टर ए, विद द गिवन वेक्टर ए। बेटा सेम रिजल्ट आया है, सही ट्राइंगल आई, सही पैरेललोग्राम आई। अगर ट्राइंगल पूछता है तो ट्राइंगल वाली डेफिनेशन लिखनी है,
अगर पैरेललोग्राम पूछता है तो देन वी राइट द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। डायग्राम बनाएंगे बेटा, और उसके बाद चाहे ट्राइंगल का हो चाहे पैरेललोग्राम का हो, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। इसका जो ज़्यादा यूज है वो हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे बेटा। देखो इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे हमने बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन एज आर वेक्टर इक्वल्स टू अनरूट ऑफ, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी कोस ऑफ थीटा एंड डायरेक्शन इज गिवन एज टेंजेंट अल्फा इक्वल्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। एक टर्म और याद होनी चाहिए बेटा आपको कि जब हमारे पास थीटा है वो अगर 0 डिग्री है, देन आप कहोगे कि साइन थीटा की वैल्यू होगी बेटा 0, और जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू होगी 1। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन साइन थीटा अगेन 0 बट कोस थीटा -1, एंड इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन साइन थीटा इक्वल्स 1 एंड कोस थीटा इक्वल्स टू 0। और एक रिजल्ट और यूज करते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री देन साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर थीटा 120 डिग्री है देन आप साइन थीटा की वैल्यू बताओगे और ये वैल्यू होगी √3/2 बट कोस थीटा इक्वल्स टू -1/2 के बराबर होगी। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, वैसे आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर पढ़ोगे, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे देखो बेटा एक टर्म और देखते हैं यहीं पे। यहाँ पे मैं एक टर्म ये कहता हूँ कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा ना, देन रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट। रिजल्टेंट है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा या हमारे पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। एंड इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री देन आर विल बी मिनिमम और लिस्ट, या तो आप इसको मिनिमम कहेंगे या क्या कहेंगे, लिस्ट कहेंगे। न्यूमेरिकल्स के अंदर मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट या मिनिमम या हमारे पास लिस्ट लिखा मिल सकता है आपको। देखो पहला क्वेश्चन क्या बताया इसने न्यूमेरिकल के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन बताया बेटा कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 20 न्यूटन फोर्स एंड ए 30 न्यूटन फोर्स सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 40 न्यूटन। बेटा सबसे पहले इसने ये कहा है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दो फोर्सेज बताए हैं, एक फोर्स बताया है 20 न्यूटन, सेकेंड फोर्स बताया है 30 न्यूटन, एंड देयर रिजल्टेंट इज गिवन एज 40 न्यूटन। देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बोलो बेटा, हमने यही लिखा था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी कोस ऑफ थीटा, यही था बेटा। यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, आर स्क्वेयर बिकम्स इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी कोस थीटा, ये आएगा बेटा। आर की वैल्यू 40, 40 का स्क्वेयर 1600 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 20, 20 स्क्वेयर 400 प्लस बी की वैल्यू 30, 30 स्क्वेयर 900 प्लस 2 × 20 × 30 इंटू कोस ऑफ थीटा। बेटा इसको इधर ले आओ, 1600 माइनस 1300 इक्वल्स टू 1200, 40, 43 जा 1200 कोस ऑफ थीटा, एंड 300 इक्वल्स टू 1200 कोस ऑफ थीटा, 3 4 जा दैट इज वी कैन से दैट कोस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/4। और बेटा जब 1/4 आया है देन अगर अपने को वैल्यू थीटा कैलकुलेट करनी है तो सिंपली वी कैन से दैट थीटा
थीटा इक्वल्स टू वन अपो कोस इनवर्स वन अपॉन फोर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल। बेटा इसमें क्या दे रखा था इसने, इसने ये बताया था कि एक वेक्टर 20 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर 30 न्यूटन है, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑफ 40 न्यूटन, देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताया है टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। दो फोर्स बताए हैं, वन फोर्स इज 20 न्यूटन एंड अनदर फोर्स इज 5 न्यूटन, दे आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट एंगल अल्फा। बेटा देखो आर कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा, बोलो बेटा क्या पढ़ा था, आर इक्वल्स टू बोलो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा। बेटा ए की वैल्यू 20, अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5 इंटू कोस 120 डिग्री। और बेटा अभी बताया कोस 120 की वैल्यू माइनस 1/2, देन वी कैन से दैट इसी स्टेप में मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू -1/2 -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए बेटा, 20 स्क्वेयर 400 प्लस 25 माइनस 100 अंडर द रूट। और बोलो बेटा अंडर रूट ऑफ 325 आया या नहीं, एंड अंडर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18, तो बेटा मैं इसको भी अप्रोक्सीमेटली कितना कह सकता हूँ, 18 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स 18 न्यूटन। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हमने क्या बताया, टेंजेंट ऑफ अल्फा, एंड टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। बेटा देखो बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 20, यहाँ पे पुट करो बी साइन 120 डिग्री अपॉन 20 प्लस 5 कोस 120 डिग्री। और बेटा साइन 120 की वैल्यू कितने बताई थी, कितने, रूट 3/2। देखो ये है बेटा दिस इक्वल्स टू 5 रूट 3/2 अपॉन 20 प्लस 5 इंटू -1/2 कोस 120 इज -1/2 प्लस माइनस क्या हो गया बेटा माइनस, ये आया हमारे पास -5/2, देन वी कैन राइट 5 रूट 3/2 अपॉन 12 से हम ले लिया तो 40 माइनस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा 5 रूट 3 अपॉन 35, 5 सेवन जब दैट इज दिस वैल्यू बिकम्स रूट 3 अपॉन 7। टेंजेंट अल्फा है, टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 7 एंड अल्फा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स रूट 3 अपॉन 7। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर दैट इज विद 20 न्यूटन, दिस इज द डायरेक्शन अलोंग 20 न्यूटन। बेटा इसमें कोई डाउट, ये था हमारे पास इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट किया और दूसरा हमने क्या कैलकुलेट किया, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करी। थोड़ा सा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताया समझने का क्वेश्चन है, टू फोर्सेज एफ एंड टू एफ न्यूटन, टू फोर्सेज एफ एंड टू एफ न्यूटन एक्ट न्यूटन्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल, इफ द फर्स्ट फोर्स बी डबल दैट इज सपोज ए इज इक्वल टू एफ
एंड पी इक्वल्स टू टू एफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल दैट इज ए वन इक्वल्स टू टू एफ एंड द सेकेंड फोर्स इज इंक्रीज बाई 16 न्यूटन. सेकेंड फोर्स बेटा कितना था? 2F. इसको इंक्रीज कर दिया कितने न्यूटन से? 16 न्यूटन से इंक्रीज कर दिया. द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड. फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ. दैट इज मैं यूँ कह दूँ कि ए वेक्टर के साथ पहले एंगल अगर अल्फा बन रहा था तो बाद में भी हमारे पास ए वन के साथ एंगल है वो क्या बनेगा आपके पास? अल्फा बनेगा. देन ये कहता है कि वे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ. बेटा पहले केस में देखो, पहला फोर्स ए और दूसरा फोर्स बी और ए के साथ मैंने एंगल अल्फा माना, तब हमने डायरेक्शन लिखी थी टेंजेंट ऑफ अल्फा इक्वल्स टू बी साइन ऑफ थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा. बोल बेटा ये लिखा था या नहीं? यही लिखा था. देन बी की वैल्यू पुट करो 2f अपॉन ए की वैल्यू f प्लस 2f कोस ऑफ थीटा. और बेटा मैं इसको सिंपल यू लिख लूँ, 2f अपॉन f इंटू 1 प्लस 2 कोस थीटा. f कॉमन लिया, f से f कैंसिल आउट हो गया. देन वी गेट टेंजेंट अल्फा इक्वल्स 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस ऑफ थीटा. बोल बेटा ये आया या नहीं? दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ अल्फा इन दिस केस. नाउ ये कहता है कि व्हेन द फोर्सेस बिकम्स 2F एंड 2F+16 देन द डायरेक्शन विल रिमेन्स सेम. देन इन दैट केस वी कैन से दैट टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू बी को रिप्लेस कर दे बी वन से, क्योंकि हमारे पास जो एंगल बन रहा था वो किसके साथ बन रहा था? आपके पास ए के साथ बन रहा था और एंगल है वो भी दोनों वेक्टर्स के बीच का हमने सेम रखा है. देन ए वन प्लस बी वन कोस ऑफ थीटा. बेटा बी वन की वैल्यू देखो 2F+16 साइन थीटा 2F. बेटा यहाँ पे साइन थीटा उधर गया, छोटी सी मिस्टेक रह गई. 2F+16 साइन ऑफ थीटा अपॉन ए वन, ए वन इक्वल्स टू 2F+16 कोस ऑफ थीटा. और बेटा इसने क्या बताया कि टेंजेंट अल्फा है वो हमारे पास सेम रहेगा. दैट इज ये इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है. देन वी कैन से दैट राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल. बेटा ये है हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2F. टू ऊपर से कॉमन ले लिया, ऊपर बचा F+8 साइन ऑफ थीटा अपॉन. बेटा नीचे भी टू कॉमन ले ले, 2 इंटू F+16 कोस ऑफ थीटा. यही बचेगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया. हो गया बेटा कैंसिल. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी. क्रॉस मल्टीप्लाई की मैंने और यह है हमारे पास 2F+2F कोस थीटा प्लस 2F+ देखो 2F+2F कोस थीटा प्लस 2 का अंदर लेके जाओ 2 8 16 16 कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू F+8 की 1 से करो F+8 की 2 कोस थीटा से करो 2F कोस
कोस थीटा प्लस 16 कोस ऑफ थीटा। और बेटा यहाँ पे देखो, 2f cos थीटा से 2f cos थीटा कैंसिल आउट, और 16 cos थीटा से 16 cos थीटा कैंसिल आउट। लेफ्ट साइड में बचा 2f इज इक्वल टू f प्लस 8, एंड वी गेट f इज इक्वल टू 8 न्यूटन। देन वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 8 न्यूटन एंड b इक्वल्स टू 16 न्यूटन। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को एक बार, छोटी सी कैलकुलेशन है। यह बताया है कि दो फोर्सेस थे, एक f एक 2f। जब ये कहा है कि ये फोर्स डबल कर दिया जाए और ये 16 से बढ़ा दिया जाए, देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर रिमेन्स अनअल्टर्ड। हमने कहीं ऐसा सपोज किया कि ये हमारे पास पहले ए वेक्टर था एफ, ये हमारे पास कोई बी वेक्टर था, और ये कितना बताया इसने 2f। अब ये कहा है कि ए को इसने डबल कर दिया, ये डबल कर दिया 2f हो गया, और इसको सेम एंगल में हमारे पास है, ये कितना कर दिया 16 से इंक्रीज कर दिया। तब भी ये कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर पहले ये था, ये अगर एंगल अल्फा बना रहा था तो ये भी कितना बना रहा था अल्फा। तो मैंने यही फॉर्मूला यूज किया बेटा, टेंजेंट अल्फा का यूज किया है। इस केस में भी टेंजेंट अल्फा का यूज किया है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है, देन राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पर मिस्टेक, हमने साइन थीटा लिखना रह गया था, वो मैंने ठीक कर दिया था पीछे। उसके बाद साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 8 न्यूटन के बराबर आ गई। और अगर आपसे पूछे कि ए कितना है 8 न्यूटन, तो बी कितना होगा बेटा 16 न्यूटन के बराबर होगा। और अगर न्यू फोर्स की बात पूछे आपसे, तो a1 हमारे पास हो गया 16 न्यूटन, एंड b1 है वो हमारे पास 8 2 16, और 16 प्लस 16 32 न्यूटन के बराबर होगा। ये रिजल्ट आएगा।